यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आइए सीधा रुख करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं। या किसी से छुपावा नहीं है और जब भी महारानी लक्ष्मी बाई का नाम आता है, भारत की प्रत्येक नारी का सिर पूरे गौरव के साथ खड़ा होकर के एक नए तेज और उस के साथ देश और दुनिया के सामने भारत की नारी गरिमा और नारी गौरव का प्रतीक बनकर के उभरता है। उनके शौर्य और पराक्रम के सामने ही विदेशी हुकूमत को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा था और उनका यह संकल्प कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, ये मातृभूमि के प्रति उस महान वीरांगना के मन में उन भावों को प्रदर्शित करता है जो प्रत्येक भारतीय के मन में अपनी मातृभूमि के अंदर सदैव रहना चाहिए। ये लड़ाई केवल झांसी के लिए नहीं थी, झांसी एक प्रतीक है, अपनी मातृभूमि की रक्षा विदेशी हुकूमत से करना, उसकी स्वाधीनता और उसकी स्वतंत्रता को हर हाल में बरकरार रखना, यही महारानी लक्ष्मीबाई का संकल्प था जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान भारत की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए दिया था। आज जब झांसी में 192 वर्ष पूर्व उस महान वीरांगना के इस जन्मदिवस के कार्यक्रम को आप सब आयोजित कर रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि 192 वर्ष पूर्व महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश में ही काशी में हुआ था और काशी और झांसी के साथ जो संवाद आगे जुड़ता है, ये आज भी हम सब की स्मृतियों को और मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की दिशा में हम सबको नई प्रेरणा और एक मार्गदर्शन भी है। घटनाएं हम सबके सामने करती हैं। मैं धन्यवाद दूंगा दैनिक जागरण समूह को जो दीपांजलि के इस कार्यक्रम के साथ भारत माता की इस महान वीरांगना के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर रही है। हमारे माननीय विधायकगण श्री राजीव सिंह परीक्षा जी ने, श्री जवाहरलाल राजपूत जी ने मुझे इसके बारे में आमंत्रण भी दिया था और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस अवसर पर स्वयं झांसी में आकर के भारत माता की इस महान वीरांगना को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके वे उनकी स्मृतियों को नमन करूं। लेकिन पहले से ही जो कार्यक्रम मेरे सुनिश्चित थे उन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे वर्चुअली आपके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आपने मेरे इस अनुरोध को स्वीकार किया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हम सब जानते हैं कि इस समाज में कोई व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, वो योग्यता से परिपूर्ण है। उसे उस प्रकार का अनुकूल अवसर मिलना चाहिए और फिर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जिस माहौल में पढ़ी थी, बढ़ी थी,
उस माहौल ने उन्हें अपनी मातृभूमि के लिए प्रेरित किया कि मैं हरगिज झांसी को प्रतंत्र नहीं होने दूंगी। और उनका संकल्प ही था कि आने वाले समय में उनका सर्वोच्च बलिदान भारत की नौजवानी के लिए, भारत के नौजवानों के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक नई प्रेरणा बनती है और देश को आजाद होने में कुछ ही दशक के बाद भारत स्वाधीनता का आनंद लेता हुआ महसूस करता है। अपने इन्हीं वीर और वीरांगनाओं के प्रति नमन करते हुए आज केंद्र और प्रदेश सरकार अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही है। आप सब जानते हैं जिन बालिकाओं के द्वारा अद्भुत साहस का कार्य किया जाता है उन्हें महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर विशेष सम्मान का प्रावधान शासन स्तर पर किया गया है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर जो हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, खासतौर पर बालिकाओं में, उन्हें लक्ष्मीबाई पुरस्कार से प्रदेश सरकार सम्मानित करती है। लेकिन यह एक पक्ष है, इसका एक विस्तृत आयाम है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, याद करिए 2014 में सरकार बनने के बाद रानी लक्ष्मीबाई समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लखनऊ से सुन रहे थे। उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि दी और साथ ही महिलाओं को लेकर उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बातचीत की और साथ ही आजादी को लेकर रानी झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के अहम योगदान पर भी उन्होंने रोशनी डाली।